यहाँ फार्म 47 और 48 49 वाले भी मौजूद हैं जो वफादारियाँ अपनी निभाते हैं। वो टालर माफिया को शिकस्त देने में नाकाम हुआ तो हम हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे, वो हमें इजाज़त दें, हम खुद इंशाल्लाह टालर माफिया को शिकस्त देंगे। अब खुद अंदाज़ा लगा एक वजीर फिशरीज़ को टालर का पता ना हो और मेरा भाई जो इनके बोट्स का ड्राइवर है ट्रॉलर का ड्राइवर नहीं है। अमीर हाफिज नईमुर रहमान साहब ने पूरे मुल्क के अंदर इस जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ महंगाई और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ जो तहरीक शुरू की है, तो हम आवाम को नौजवानों को सबको दावत दे रहे हैं कि वो मेंबर बनकर इस जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करें। हम नहीं कहते उन्हीं मुखालिफिन कहते हैं जिनको हमने शिकस्त दी है, सियासी शिकस्त दी है, कानूनी मैदान में शिकस्त दी है, हर वक्त यही प्रोपेगेंडा करते हैं नाकाम हुआ है। तो वक्त ने हर वक्त ने साबित किया कि कौन नाकाम हुआ है। तो टालर माफिया के खिलाफ, बॉर्डर माफिया के खिलाफ, ड्रग माफिया के खिलाफ हमारी जद्दोजहद जारी है, आइंदा तक जारी रहेगा। बाकी आज 1 सितंबर से मेंबर साजी मुहिम शुरू है। अमीर हाफिज नईमुर रहमान साहब ने पूरे मुल्क के अंदर इस जुल्म और जबर के ख़िलाफ़, महंगाई और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ जो तहरीक शुरू की है, तो हम आवाम को नौजवानों को सबको दावत दे रहे हैं कि वो मेंबर बनकर इस जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करें। क्योंकि हमारे जिनके खिलाफ हम बात करते हैं उनके नुमाइंदे हर जगह मौजूद हैं, उनकी हमदर्दियाँ मौजूद हैं, यहाँ फार्म 47 और 48 49 वाले भी मौजूद हैं जो वफादारियाँ अपनी निभाते हैं। तो जो ऐसा मेरी मुखालफत करते हैं लोग पूरे बलूचिस्तान के आवाम समझते हैं वो किसके बंदे हैं और कहाँ से आए हैं और कहाँ से बोल रहे हैं। देखिए हम तो पुरमन जद्दोजहद शुरू दिन से कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं। तो अगर हुकूमत नाकाम, अब तक तो नाकाम है, वो टालर माफिया को शिकस्त देने में नाकाम हुआ तो हम हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे, वो हमें इजाज़त दें, हम खुद इंशाल्लाह टालर माफिया को शिकस्त देंगे। आखिरी मरला यही हमारे पास है, अब भी लोग हैं, अभी गैरतमंद लोग हैं, अब भी हम टालर माफिया को शिकस्त दे सकते हैं। अवाम को इजाज़त दें गवर्नमेंट तो हम इंशाल्लाह उनको नाकाम बनाएंगे, लेकिन अब तक हम गवर्नमेंट को वक्त दे रहे हैं कि वो खुद टालर माफिया के खिलाफ ऑपरेशन करें। हमारे जो वजीर फिशरीज़ है उसको खुद पता नहीं है टालर क्या होता है। अब खुद अंदाज़ा लगा एक वजीर फिशरीज़ को टालर का पता ना हो और मेरा भाई जो इनके बोट्स का ड्राइवर है ट्रॉलर का ड्राइवर नहीं है, वही बोट जो पेट्रोलिंग के लिए बाहर जाते हैं तो अपने बोट को ट्रॉलर कहते हैं। अब इस ये कैसे ट्रॉलर माफिया को और ट्रॉलर को शिकस्त दे सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। और उन्होंने जो बात की अपने बोट के बारे में बात की और अपने बोट को ट्रॉलर उन्होंने कहा।